इस घर में कोई है या नहीं? टेलीफोन करते करते पागल हो गया, कोई उठाता ही नहीं। प्रिया, प्रिया, पवन, गीता, कहाँ छुप गए तुम सब? कुलदीप, तुम अब क्या हुआ तुझे? इतना घबराया हुआ क्यों है? नहीं तो कोई ऐसी बात तो नहीं। अभी है? क्यों? आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आशीर्वाद? अबे साले, तुम कौन सी एवरेज पता करने जा रहे हो? इससे भी ज्यादा बेटा, मैं शादी कर रहा हूँ। शादी? अरे वाह, हैरान हो गए ना? बिल्कुल, मगर साले तुमने तो सदा बाल ब्रह्मचारी रहने की कसम खा रखी थी। वो कसम तोड़ दी। सब अब जानते हो? हाँ। भाभी, जिस तरह उन्होंने तुम्हारी जिंदगी खुद दी और तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दिया, उसे देखकर मुझे भी एक छोटी सी जन्नत बनाने का ख्याल आया। मगर मैं चाहता हूँ मेरी जन्नत में जो पहला कदम आए वो भाभी का हो। मगर इसका यह मतलब नहीं बच्चों कि तुम नहीं आओगे। अबे क्या सो गया? हेलो हेलो कुलदीप, हम सभी आएंगे, सभी इकट्ठे आएंगे। दैट्स गुड। अच्छा बेटा, अब तुम छुट्टी करो और जल्दी से भाभी को फोन पर बुलाओ। देख कुलदीप, वो प्रिया है ना, क्या घर में नहीं है? मैं समझ गया, तुम्हारे मकान के पास जो सिनेमा है बच्चों को लेकर वहां गई होंगी कानून फिल्म दिखाने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बाय बाय। ओके बाय बाय। मैं भी बिल्कुल गधा हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ, न जाने क्या क्या सोचता रहता हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि प्रिया बच्चों को लेकर सिनेमा देखने गई है, बस अभी आती होगी। यार झगड़ा तो हुआ है और मनाना भी पड़ेगा, तो फिर ग्रेट एक्टर हो जाए अपना प्रारंभ जामा। नहीं साहब, अभी आती हूँ। यूं दरवाजा खुलेगा, मुझे सामने देखकर यूं मुंह फूल जाएगा। बच्चों को इस तरह गुस्से से देखेंगी कि वो बेचारे पापा को गुड नाइट किए बगैर दुम दबाकर सीधे अपने कमरे की तरफ भाग जाएंगे और फिर मेरी तरफ गहरा रूप नजर डालेंगे और टिक 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 करते हुए सीधे अपने कमरे की तरफ चली जाएंगी और मैं भागकर उनका हाथ जो पकड़ लूंगा और कहूंगा, देखिए मेम साहब, अब ये गुस्सा काहे का, हमसे बात तो कीजिए। वो चिल्ला कर कहेंगी, छोड़ दीजिए मेरा हाथ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। हाँ, मैं फिर उनका हाथ पकड़ लूंगा और रोनी सूरत बनाकर कहूंगा, जाने मन, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी एक जलता हुआ सहरा है, एक कैदखाना है जहां मैं अपना सर टकरा टकरा कर मर जाऊंगा। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी पूजा करता हूँ, तुम्हें अपने मन मंदिर की देवी समझता हूँ। उससे मैं वो लाल लाल हो जाएंगी और कहेंगी, आप झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं, भला देवी से कोई इस तरह घिरी हुई बातें करता है? उनकी मोटी मोटी गुलाबी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगेंगे। मैं भोला बन जाऊंगा और कहूंगा, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, भला भला मैं आपकी शान में गुस्ताखी कर सकता हूँ? वो मान जाने के अंदाज में कहेंगी, आप हमेशा ऐसा करते हैं, काश मैंने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड करके आपको सुनवाई होती, तब आपको पता चलता कि आप कितनी जलील गिरी हुई और नीच बातें करते हैं। आखिर आप मुझे समझते क्या है? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके दो बच्चों की माँ हूँ। मैं और सीधा बन जाऊंगा, उनके करीब आकर कहूंगा, जो हुआ उसे भूल जाओ, आखिर तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में मेरा है ही कौन? जानती हो अभी अभी मैं क्या सोच रहा था? अगर तुम और 5 मिनट ना आती तो मैं तुम्हें यहां ना मिलता, मेरी लाश मिलती,
वो फौरन मेरे मुंह पर हाथ रख देंगे और कहेंगे, भगवान के लिए ऐसा ना कहिए, क्योंकि सब जानते हैं कोई औरत विधवा नहीं होना चाहती। मैं अपनी मेम साहब की इस कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें अपनी आगोश में ले लूंगा। उनके उनके तपते हुए होठों पर अपने होश रख दूंगा, उन्हें अपने सीने से लगा लूंगा और अगर जिंदगी में फिर से बाहर आ जाएगी। हेलो हेलो, कौन है? श्यामा, तुम? मैंने कई बार कहा मेरे घर पे टेलीफोन मत किया करो, मेरी बीवी को शक हो गया है, आज भी झगड़ा हुआ था। अच्छा हुआ इस वक्त वो घर पे नहीं है, वरना फिर हंगामा खड़ा हो जाता। हाँ प्लीज खत्म कर दो, ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दो। सुनो श्यामा, अगर मुझे कांटेक्ट करना भी हो तो आइंदा हमेशा दफ्तर में फोन करना। मैं जानता हूँ ये प्रेम पत्र किसका हो सकता है। दिस इज फॉर माई स्वीट डार्लिंग प्रिया। ओह यस, आई एम राइट डार्लिंग, तुम ही तो हो जो मेरा शाम का एड्रेस जानती हो। केयर ऑफ माई लिटिल बा डार्लिंग, यू मस्ट फॉरगिव मी, आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थक गया हूँ। पहले ये जरा कड़वा घूंट हलक के नीचे उतार लो, उसके बाद तुम्हारे प्रेम पत्र से मीठा करूंगा। हाँ थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया। डार्लिंग फॉरगिव मी, एक सेकंड, हमेशा तंग करता रहता हूँ। आपकी बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। आप समझते हैं ये घर आपने बनाया है? हाँ हाँ मैंने बनाया है, आपने हाथों से बनाया है, ये घर मेरा है। आज ये घर आपका हो गया, वो दिन भूल गए जब कहा करते थे मैं आपकी जिंदगी में आ गई तो ये जन्नत बन जाएगी। ये जन्नत तुमने नहीं, मैंने बनाई है। मैंने तुम्हें ये घर दिया, बच्चे दिए, इज्जत दी, वो सारी खुशियाँ दी जिनकी हरारत को तमन्ना होती है। तो क्या एहसान किया आपने मुझसे शादी की है? शादी का ये मतलब तो नहीं कि मैंने अपनी आजादी तुम्हारे हाथ बेच दी है, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? तो क्या मैं आपकी लौंडी हूँ, बांदी हूँ? मुझे इतना भी पूछने का हक नहीं कि आप रात रात कहाँ गायब रहते हैं? तुम्हारे ऐश आराम के लिए मरता हूँ, जानवरों की तरह काम करता हूँ, क्या इसके बदले में इतना भी हक नहीं कि आराम से सांस ले सकूं? आराम से आवारा औरतों के पास ही मिलता है, मुझे अच्छी तरह मालूम है आप क्या क्या करते हैं। और तुम कौन सी सती सावित्री हो, मेरे जाने के बाद ना जाने क्या क्या गुड़ खिलाती है। बकवास बंद कीजिए, शर्म नहीं आती आपको, मुझ पर शक करते हैं? हाँ हाँ शक करता हूँ, अगर मैं आवारा हूँ तो तुम भी आवारा हो, बस चलो। बंद कीजिए, कितने गिर गए, नीच बन गए, मुझे बस चलन का, मुझे जो इस घर को मंदिर समझती है, इस चार दीवारी की पूजा करती है और आपको भगवान मानती है। आप भगवान नहीं, राक्षस है, शैतान है, जो अपने बच्चों की माँ की इज्जत नहीं करता वो अपनी माँ को भी गाली दे सकता है, अपनी माँ पर भी शक कर सकता है। खबरदार, तो मेरी माँ का नाम दिया, मैं तुम्हारा गला घोंट लूंगा, जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा तुम्हें। बताइए दुनिया को क्या, आप कितने घटिया है, नीच है, मार डालिए जान से मुझे, मार डालिए। अब ये घर हमारा नहीं रहा, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। तुम क्यों जाती हो, मैं खटकता हूँ तेरी आंखों में, मैं ही चला जाता हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा।
तुम्हारी जन्नत और जहन्नम सब कुछ इस घर की चार दीवारी के अंदर। इस घर से बाहर कदम रखकर बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। तुम एक हिंदू स्त्री हो, मेरी पत्नी हो, पवित्र अग्नि के सामने तुमने कसम खाई थी जिंदगी मौत जीना मरना सब एक साथ होगा। तुम मुझे छोड़कर चली गई, अपने माथे पर कलंक लगा लिया है तुमने। अब तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, अपने पास बुला लूंगा। मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं माफ करूंगा। और मेरे बच्चे, तुम्हें क्या आता मेरे बच्चों को अपने साथ ले जाने का, उन्हें खराब करने का? मैं उन पर तुम्हारा गंदा साया तक नहीं पड़ने दूंगा। मैं उन्हें तुमसे छीन लूंगा। मैं देखता हूं तुम मेरे बच्चों को अपने साथ कैसे रखती हो। ये मैं क्या कर रहा हूं? पुलिस को इतला कर दी, ये खबर सारे शहर में बैठ जाएगी। देखा तुमने, मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरा नाम जो मैंने बरसों की मेहनत से कमाया था, एकदम खाद में मिल गया, एकदम मिट्टी में मिल गया। लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मुझे बदनाम करेंगे, मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे कि मेरी बीवी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके लिए मैं तुम्हें कभी 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 माफ नहीं करूंगा। तुम क्या समझती हो कि मैं यहां जी नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता? मैं इस घर में रहकर बताऊंगा, तुम्हें जिंदा रहकर बताऊंगा, जी के बताऊंगा, यही रहकर बताऊंगा। मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, सहारों की जरूरत नहीं है मुझे, मेरे हाथ पांव सलामत, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं। अगर कोई ये समझता है मुझ पर नाजायज दबाव डालकर मुझे झुका लेगा तो ये उसकी भूल है। मैं कच्ची मट्टी का नहीं बना, पकाने पर पहाड़ से भी टकरा सकता हूं। मैं उस कंबख्त when the trumpet starts to play, there's got to be a celebration when the trumpet starts to play. And when the band begins to play, now when the band begins to play, how I'd love to be in that number when the band begins to play. Now when the saints start marching in, now when the saints start marching in, अगर इजाजत हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं। बैठ जाइए। शुक्रिया। बेटा। यस सर। एक कप कॉफी। राइट सर। पेरिन डार्लिंग, तेरो फेस क्या छे मैंने देखा तो नहीं? मारे रे उस तो मैम सु कर तेरे डॉरी नीचे तो क्या है? मीर नीम बाज आंखों में सारी बस्ती शराब इसी है। हाय हाय। शट अप And mind your own business, please. कॉफी सर। बेरा, हमारा बिल प्लीज। जी। आपकी कॉफी आ गई। ओह। हाँ। माफ कीजिए। डार्लिंग, तुम्हारी कमर कहाँ है? जहाँ तुम्हारा हाथ रखा है। आए, ये तो पेट है। अच्छा? ओही, ओही, मत करो, सब देख रहे हैं। मिस्टर हाँ। आप खाते क्यों रहे हैं? अरे तुम खाओ ना,
मैं और प्लेट मंगवा लूंगा। आपकी प्लेट कहाँ गए? मेरी प्लेट? अरे मेरी प्लेट में तो तुम खा रही हो। तो फिर मेरी प्लेट कहाँ है? तुम्हारी प्लेट। ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मेरा नाम, मैं आपको जानती हूँ। आप सिटी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के बड़े ही मशहूर स्पीकर हैं और 2 साल से बराबर ट्रॉफी जीत रहे हैं। मैम साहब, बिल ऐसा नहीं हो सकता। अब तो हम एक दूसरे को जानते हैं, बिल मैं अदा करूंगा। What the hell? तुमने मेरी बहन का हाथ क्यों पकड़ा? भैया, oh, you keep quiet, भैया। जी, मैं तो बिल पे कर रहा था। बिल? And who the devil do you think you ought to pay her bill? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। I understand you loafers very well. Hey, Major. Oh, shut up. ये थी तुमसे पहली मुलाकात। मेरा खून खौल गया था। जी चाहता था तुम्हारे भाई की हड्डियां चूर चूर कर दूं, लेकिन मैंने सोचा इंतकाम किसी और तरह लूंगा। तुम्हारे भाई को अपना साला बना के छोड़ूंगा, अपना साला बना के छोड़ूंगा। देखिए, काम की भी याद होती है। कितनी रात हो गई है, ना कुछ खाया ना पिया। कम से कम दूध तो पी लीजिए। सुना आपने? मैं आपको जानती हूँ। आप सिटी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के बड़े ही मशहूर स्पीकर हैं और पिछले 2 साल से बराबर ट्रॉफी जीत रहे हैं।
लेडीज जेंटलमैन एंड डियर स्टूडेंट, इस साल ट्रॉफी फिर अनिल मेहरा ने जीती है। सेंचुरी ऑफ होम पर जिस अंदाज और जिस खूबसूरती के साथ इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है वो अपनी मिसाल आप है। इन्होंने साबित कर दिया घर सचमुच एक मंदिर है। मुझे यकीन है जब ये शादी करेंगे तो अपने घर को वाकई जन्नत का नमूना बनाकर दिखाएंगे। हेलो। ओ हेलो। खासी स्पीच बहुत अच्छी थी। पसंद आई आपको? बहुत पसंद आई। हाँ, आपके भाई साहब नहीं है आपके साथ? हेलो अनिल। Oh, congratulations, that was a jolly good speech, old boy. I come to think of it, I was in the झगड़ा हुआ था उसके लिए. I'm very sorry. I hope you'll pardon. चलिए आपको माफ किया. मैं चलता हूँ. तुम ठहरो. हाँ भैया. Bye, jolly good. Bye. Bye, Major. Hello. Hello. फिर कब मुलाकात होगी? जब आप कहेंगे. कल? परसों? जी नहीं. दो दिन बाद? जी नहीं। तो फिर कब? किसी दिन, किसी वक्त, किसी जगह जरूर मुलाकात होगी। बात आए? क्या लड़की है, क्या लड़की है, क्या लड़की है। खुद आज अपने दाम में याद आ गया। Thank you.
इतने गौर से क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं ये सब कैसे हो गया। क्या तुम तो मेरे सपनों में थी। सोचा करता था ये तो सिर्फ शायरों की कल्पना है। क्या ऐसी औरत भी इस दुनिया में हो सकती है जिसके बाल लंबे लंबे और रेशम की तरह मुलायम हो, आंखें बड़ी बड़ी एक आजाद हिरनी की तरह, बदन ऐसा सुबुक और रोजदार जैसे फूलों की डाली, जाल में कदम कदम पे फितने जागते हो, आवाज में घुंघरू खनकते हो और मांग में सितारे चमकते हो, मगर आज ये सपना नहीं, तुम मेरे सामने हो। सच? हाँ, मैं तुम्हें छू सकता हूँ, अपनी आगोश में ले सकता हूँ, तुम्हारे बदन की गर्मी और सांसों की नरमी को महसूस कर सकता हूँ। प्रिया, प्रिया, मेरे करीब आओ। क्यों, क्यों प्रिया? मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, आपके होठों पे लग जाएगी। मैंने कितनी बार कहा मुझे मिलने आया करो, तो लिपस्टिक लगा कर मत आया करो। कल नहीं लगाऊंगी। मालूम नहीं वो कल कब आएगी। प्रिया, प्रिया तुम हमेशा मेरी आज कल में बदल देती हो। प्रिया, आप बड़े बेसब्र हैं। हाँ प्रिया, मैं बेसब्रा हूँ, बिल्कुल बेसब्रा। प्रिया, मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रिया, मेरा सारा बदन सुलग रहा है। प्रिया, मुझे अपनी बाहों में ले लो, मुझे अपनी बाहों में ले लो। प्रिया, तुमने और मजबूर किया तो मेरे कदम डगमगा जाएंगे। मैं जज्बात की लो में बह जाऊंगी। मुझे कोई ऐसी गलती करने पर मजबूर ना करो जिसकी शर्मिंदगी मेरा दामन जिंदगी भर न छोड़ सके। अनिल, अनिल, तुम इतने कमजोर नहीं हो, तुम इतने कमजोर नहीं हो अनिल, कमजोर नहीं। प्रिया, मैं कमजोर हूँ, बहुत कमजोर हूँ। मेरे अंदर जो तूफान उठ रहा है उसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। प्रिया, मुझे भिगो दो, दर बदर कर दो, शराबोर कर दो। काश के जिंदगी की बारिश इसी तरह बारिश होती रहे और मैं इसी तरह भीगता रहूं। तुम्हारी मोहब्बत की बारिश, तुम करम की बारिश, मैं नहा जाऊं इसमें, नहाते नहाते थक कर चूर हो जाऊं, शराबोर हो जाऊं और तुम्हें यूं ही अपनी बाहों में लिए लिए जिंदगी का लंबा सफर खत्म हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ, इतनी बारिश हो कि मैं इसमें डूब जाऊं और तुम हर वक्त मेरे साथ रहो, हर वक्त मेरे साथ रहो आखिरी सांस तक। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि तुम क्या प्रिया मुझसे शादी कर लो, मेरी जिंदगी में आ जाओ हमेशा हमेशा के लिए। क्या सोचने लगी? मैं सोच रही हूं कि तुम क्या
प्रिया तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सन बेटा थैंक यू डॉक्टर थैंक यू। कैसा है वो किससे मिलता है मैं देख सकता हूँ उसे? आप एक ही सांस में इतने सवाल पूछ रहे हैं, जाके खुद देख लीजिए। थैंक यू। बिल्कुल मेरी तरह है, बिल्कुल मेरी तरह है। ओठ नाक कान एक एक चीज मुझसे मिलती जुलती है, एक एक चीज मुझसे मिलती जुलती है। आप बड़े खुद कर रहे थे। नहीं 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 तुमसे भी मिलता है, ओठ बिल्कुल तुम्हारी तरह है, पतले पतले गुलाब की पत्तियों की तरह। प्रिया प्रिया आज तुम कितनी हसीन लग रही हो, बेइंतहा खूबसूरत, दुनिया की कोई औरत इतनी हसीन नहीं हो सकती। क्या इरादा है आपका? बस तुम मुझे इसी तरह हर साल एक बच्चा देती रहो और मैं तुम्हें इसी तरह जिंदगी भर प्यार करता रहूं, प्यार करता रहूं। देखा ना फिर खांसी जुकाम लगा ले, मुझे तो मालूम था मुझ पर रोब जमाने के लिए आप इस बारिश में निकल खड़े होंगे। अब आप फौरन घर जाइए और गर्म पानी के साथ दो गोली एनेसिन की लेकर सो जाइए। भूलिएगा मत, गर्म पानी के साथ लीजिएगा। पहले लड़की और अब लड़का, ये तो भगवान की देन है। भगवान को क्यों बीच में लाते हो, ये सब तुम्हारे करामात हैं, इसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग। अबे करो मुझे नीचे तो उतारो। माय माय, ही इज अ रियल किलर। बड़ी शर्म करो निशामा,
अनिच्छा दीशु था दो बच्चों का बाप, बड़ी हम तो अभी बैचुलर है, बड़ी हमारी तरफ देखो नी। What a compliment, really. Mr. Ali, care to have a drink? Oh, thank you. अरे तो मैंने आपको पहले नहीं देखा। आपने क्या शहर की सब लड़कियों को देखा? जी हाँ, शहर में जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं उन सबको देखा है। मालूम होता है आप कहीं बाहर से आई? Yes, from French Riviera, Monte Carlo. Oh, that's wonderful. आपका शुभ नाम? श्यामा। Oh, श्यामा. Cheers to the most beautiful Shama. Cheers. Cheers. Shama, darling, puri music baj raha hai. Aao ne dance kare. Mr. Advani, get lost. Arey saab, hum bhi pade hain raho mein jinabe ala. Hamari taraf bhi to kuch waqt ke liye aaiye. Aata hu saab, aata hu. Miss Shama, abhi aap se bahut mulaqatein hu. Sure, sure. बच्चे बच्चे बच्चे, लोगों को बच्चे पैदा करने से फुर्सत नहीं मिलती, और यहाँ जिधर देखे क्राइसिस हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिलता। ऐसा लगता है बैठी तुम्हें भूख लगी है। एग्जैक्टली, हाँ राइट यू आर। जरा एक प्लेट चिकन सैंडविच भिजवाइए। ओह श्योर श्योर। ओह माय लव डार्लिंग, तुम समझती नहीं, मैं सच्ची मोहब्बत की बात करता हूँ। आई एम टॉकिंग ऑफ ट्रू लव। और मैं तुम्हें देखता रहूं, मन ही मन में तुम्हारी पूजा करता रहूं, तुम्हें देवी मानकर तुम्हारे ऊपर मोहब्बत फूल चढ़ाता रहूं। अच्छा, और मैं खाली बैठी क्या करूं? तुम वैसे पंखा जल्दी रहो, वरना इसके ऊपर मक्खियां बैठने लगेंगी। कुलदीप के बच्चे, सीधी बात क्यों नहीं कहता मुझसे शादी कर ले, जिंदगी जन्नत बन जाएगी। क्यों एक्सपोज करते हो मुझे? तुम तो जानते हो मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। आज देखेंगे फूल। आपको गलत फहमी हो गई है।
Darling, you must forgive me. I couldn't have anything. Anything nahi khai maine, darling. तो मेरे ड्राइवर बन के रह गए। जी पवन, कितनी बुरी बात है। तुमने कल रात भी बिस्तर पे छू छू कर दिया था, आज फिर कर दिया। सॉरी मम्मी, अब नहीं करूंगा। मम्मी, पवन शेम से मिला। वो शेम शेम। आओ मम्मी, देखो ना पवन ने मुझे नोचा। पवन, शरारत नहीं। चलो चलो चल के सो जा। चलो गीता अपने पलंग पर। चलो शाबाश। मम्मी, 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 मम्मी,
इतना छोटा सा तो पलंग है तुम्हारा। फिर हम आपके कमरे में सोएंगे। चलो चलो सोचो, जिद नहीं किया करते। मैं तुम्हें अच्छी सी डोरी हो कि मैं रात भर जागता रहूं। उफ, बड़े बेसब्री हैं। चाहिए ना? मम्मी, आपका कमरा कितना बड़ा है? हमारा कमरा कितना छोटा है? तुम्हारे लिए भी बड़ा कमरा बनवा देगी गीता। अब सो जाओ तुम दोनों। नहीं नहीं मम्मी, मैं गीता के साथ नहीं सोऊंगा। पवन, गीता तुम्हारी बहन की बेटी। अब सो जा, बस खुल जाना है ना। पापा, पापा। पवन, अभी तक तू सोया नहीं? पापा, आप कहते हैं तुम अलग सोया करो, गीता अलग सोया करे, पर आप और मम्मी एक ही पलंग पर क्यों सोते हैं? देख पवन, ऐसी बातें नहीं किया करते। जाओ जाके सो जाओ। हाँ, अच्छा बेटा। पापा, आज मैं आपके साथ सोऊंगा, गीता मम्मी के साथ रहेगी। ओहो पवन, तू बहुत तंग करने लगा है। चल चल सो जा। शाबाश, गुड बाय, गुड बाय। पापा, हमें कहानी सुनाना। तू सो जाएगा ना? हाँ पापा, प्रॉमिस। वेरी गुड। एक दिन पवन बंदूक लेकर जंगल में शिकार करने गया। कौन सी बंदूक पापा? 303। इतने में एक बकरी भागते हुए पवन के पास आई और रोने लगी। बोली, पवन हमको बचा लो, हमको बचा लो, हमको शेर खा जाएगा। पवन ने बकरी को प्यार किया, बोला बकरी मत रो मत रो, हम शेर को मारेगा। इतने में शेर आया, उसने पवन को देखा और बोला, देखो पवन, हमारे सामने से हट जाओ, हम बकरी को खाएगा। पवन बोला, देखो शेर, अगर तुमने बकरी को मारा हम तुमको गोली मार देगा। शेर ने किया वाव। पवन ने थ्यू 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 यूं बंदूक मार रही और शेर को इधर लगी इधर लगी इधर लगी और शेर वाह 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 करता जंगल में भाग गया। फिर पवन बकरी के पास गया, बकरी ने बोला थैंक यू। नहीं खरीदूं तो अच्छा है। सुनिए, आई लव यू। एक बार फिर कहो। एक बार नहीं, हजार बार कहूंगी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। प्रिया, तुम कितनी अच्छी हो। आप मेरे लिए हार लाएंगे ना? एक नहीं, एक हजार हार। मेरी जान हो। हाँ, अरे
हाँ तो पवन को गाने सुना रहा था, पवन ने बकरी को गोली मार दी। पवन ने शेर को गोली मार दी, शेर जंगल में भाग गया, बकरी ने कहा थैंक यू पवन और जंगल में घास खाने चली गई। पवन घर आया, खाना खाया, पापा से कहानी सुनी और फिर सो गया। सो जा बेटा, सो जा, सो जा। सुनाने का वक्त है, मेरे लिए न दिन को वक्त न रात को वक्त। सभी कहते हैं कि मेरी बीवी ने घर को जन्नत बना दिया है। वाह वाह वाह, क्या खूब जन्नत है कि मैं नंगा घूम रहा हूँ। जानती हो ना कि ये उल्लू का पट्टा जाएगा कहाँ, जगबार के घर वापस आएगा। ठीक है, मेरे लिए फुर्सत नहीं ना सही, आज मैं इसी तरह काम पे जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा लोग हंसेंगे ना, हंसने दो, उनको ये तो पता चलेगा कि मेरी मेम साहब कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, मुझे किस तरह घर से बाहर भेज दी है। क्या जरा सी बात का पतंगड़ बना दिया है, उधर मचा रखा है। अभी लगाती हूँ बटन। मुझे ना बटन चाहिए, ना पतलून चाहिए, ना कमीज चाहिए। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। और आज तो मैं नंगा ही जाऊंगा। सुन लिया, मैं जा रहा हूँ। इस तरह बाहर जाते हुए शर्म नहीं आएगी आपको? मुझे क्यों, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। लोग कुछ कहेंगे तो तुम्हारा नाम लूंगा। हाँ सुनिए सुनिए, आप बच्चों की कसम जो बाहर दी। खबरदार जो बच्चों की कसम दी, तुम हमेशा मेरी कमजोरी का फायदा उठाती हो। कसम से क्या होता है, बच्चे तो मेरे हैं, आपके तो है नहीं। जाइए जाइए जाइए। पवन, गीता, तुम्हारी क्या हिम्मत? गीता, तुम
बने हुए हैं, बगले जैसी पतली पतली गाड़ियाँ लिए घूम रहे हैं। आज चुप रहिए जी, आज मैं इनकी खबर लेके छोड़ूंगा। हाँ हाँ छोड़िए छोड़िए, घर में बहुत सारी चीजें हैं, सब तोड़ डालिए। भगवान गीता राधो। हाँ मैं हार गया, आज मैं तुम्हें पकड़ के छोड़ूंगा और बंदूक से क्यों 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 आओ करेगा तू है अभी नाश्ता कराता हूँ तुम दोनों को मैं अभी ओ हो पवन को पकड़ लिया, पवन को पकड़ लिया। अब बोल कौन जीता? पवन किसका बेटा, मम्मी का या पापा का? पवन द गुड बॉय। जो लीजिए आपकी कमीज और आपकी पतलून दोनों में बटन लगा दिए, अब आप जल्दी से बच्चों को स्कूल ले जाइए। और हाँ शाम को दो पलंग लाना मत भूलिएगा। और चल घर की दुनिया से दिल भर गया छोड़ने दिल कहीं और चल और
रोते हैं जब घर में सारे शोर मचा रखा है, बच्चों को जगाएंगे क्या? बच्चों को सुनिए साहब, हम तो आपको जगा रहे हैं। मुझे भी क्यों जगा रहे हैं जानते नहीं, सुबह जल्दी उठना होता है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है। एक जमाना था कि सभी कुछ हमसे, बच्चे हो गए। हाँ हो गए, सो जाइए चुपके से, आप जाते हैं आधी आधी रात को पीकर अपनी नींद खराब कर। ठीक है, अब हम आपकी नींद खराब करते हैं। वो दिन भूल गए जब सारी सारी रात हम भी जागा करते थे और हमें भी जगाया करते। अब क्या हो गया आपको नहीं मालूम क्या हो गया? दिन को तो गायब रहते ही थे, अब रात को भी रहने लगे। मेरी जान, मर्दों के सिलसिले कुछ ऐसे ही हुआ करते हैं। मुझे मालूम है आपके सिलसिले, इसीलिए मुझे सुना रहे थे ना, घर की दुनिया से दिल भर गया। अच्छा तो आपने, अरे दिल कहीं और चल, ये भी सुना? जी हाँ वो भी सुना, आपका स्ट्रिप्टी शो भी देखा। अच्छा चलो अब गुस्सा छोड़ो और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अरे बिल्कुल दुल्हन बनी हुई हो, वही साड़ी पहन रखी है जो शादी के रोज पहनी थी, क्या बात है। आप ये हालत हो गई, आपको इतना भी याद नहीं आज हमारी शादी की सालगिरह है। सालगिरह? What a fool I am, मैं तो भूल ही गया था। अरे तो मैं कैसे हूँ, आप सब कुछ भूल जाएंगे, मुझे तो भुला ही दिया आपने, अब ये घर भी याद नहीं रहेगा और बच्चे भी याद नहीं रहेंगे। जानते हैं बच्चे कितनी देर तक आपका इंतजार करते रहते हैं? प्रिया माय लव, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे और जल्दी से आकर मेरे सीने से यूं लग जा। मैं नहीं आऊंगी। नहीं आओगी? बिल्कुल नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, अच्छी बात है, देखता हूँ कैसे नहीं आती। आप बिल्कुल जंगली हैं, जानवर हैं, गवार हैं, बिल्कुल आप क्या समझते हैं कि मुझे चोट नहीं लगती, दर्द नहीं होता? ओ दूर जाने वाले, ओ दूर जाने वाले, वादा न भूल जाना, भूल जाने वाले, ये लो नजदीक आने, वादा न भूल जाना, वादा याद दिलाती, ये लो, दूर जाने वाले, ये पूरा करती हूँ वादा, ये लीजिए, आपके हाथ तो फूलों के गुलदस्ते हैं, हमें जरा चोट नहीं लगती, चोट नहीं लगती, चोट नहीं लगती, और दीजिए, ये लीजिए, एक तो देर से आते हैं, ऊपर से सोने नहीं देते, जल्दी नहीं आ सकते आप? अरे बाबा तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए तो मरता हूँ, गधे की तरह काम करता हूँ, जल्दी कैसे आऊँ? एक आप ही तो हैं जो काम करते हैं और हम बेकार बैठे रहते हैं। अच्छा बाबा आप चुप रहो ना, सुनो तो मुझे, नींद आ रही है। नींद आ रही है, मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं देखती हूँ आप कैसे सोते हैं। अजी छोड़िए छोड़िए, क्या रखा है इन बातों में, ज्यादा गड़बड़ थी तो तुम्हारा पलंग उठाकर दूसरे कमरे में डाल दूंगा। हाँ मैं अपने पलंग पर सोऊंगी नहीं, देखिए क्या हाल बनाती हूँ आपका। अरे ये क्या करती हो, मेरे पलंग में क्यों घुसी आ रही हो? ओ, मेरी मेरी चादर तो नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। देखिए जी मुझे मुझे आपका प्यार नहीं चाहिए। हाँ तुम तो कहती थी नहीं उठूंगी, सता रही थी आपको, अब कब तक सताती रहोगी? जब तक आप मुझसे मोहब्बत करते रहेंगे। मैं तो जिंदगी भर तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। इसी तरह? हाँ इसी तरह। ये मोहब्बत कभी कम न होगी? कभी नहीं, कैसे कम हो सकती है, तुम तो मेरी जान हो, मेरी प्यारी हो, मेरी डार्लिंग हो। देखिए मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़कर कभी मत जाया कीजिए। मैं कहाँ जाता हूँ तुम्हें छोड़कर? अब तो आप देर से नहीं आएंगे, मुझे गले से लगा लीजिए। मैं
हमेशा हमेशा के लिए जन्म जन्म तक आपकी रहूंगी, आपके साथ बिल्कुल इसी तरह। लो अभी तक सो रहे हैं, आप उठेंगे जनाब? उठिए ना, उठिए, क्या ठंडी हो रही है? क्यों सता रही हो? काम पे नहीं जाना क्या? देखिए कितना दिन चढ़ गया, फिर कहेंगे मैंने देर करा दी। बाबा मैं बहुत थक गया हूँ, सोने दो ना प्लीज। क्या सोने दो, सोने दो लगा रखिए, दोबारा मैं चाय नहीं लाऊंगी। मत लाना बाबा, अभी तो सोने। Thank you.
मेरा पापा शेर। वेरी गुड वेरी गुड। मेरी दीवार, कई बार कहा पापा को ब्लैकबोर्ड पर बनाया करो, मगर ये बच्चे। अब मेरा कौन सहारा, अब मेरा कौन सहारा। मम्मी बकरी है, बिल्कुल बकरी है, 24 घंटे बकरी की तरह जबान चलाती रहती है। अब मेरा कौन सहारा, अब मेरा कौन सहारा। उफ़ो, फिर दीवार खराब कर दी। पवन गीता, ये भी क्या मजाक है। अब मेरा कौन सहारा, अब मेरा कौन सहारा। ये लीजिए, अब मैं क्या करूं, सुनती है आप, मैं दीवार ठीक करता हूँ, ये आपके बच्चे फिर दीवार खराब कर देते हैं। कर चुके ये दोनों। बदतमीजी की हद होती है। आज मैं तुम्हें पकड़ के ही छोड़ूंगा। तुम और तुम्हारी माँ, तंग कर दिया तुम दोनों ने, नाक में दम कर दिया मेरा। अच्छा, पापा तेज नहीं भाग सकते। हाँ भागो 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 तुम। पवन रुक जा, रुक जा बेटा। गीता तू रुक जा। मुझे चक्कर आ गया, मुझे चक्कर आ गया, मुझे चक्कर आ गया। तू रुक जा पवन। आपके बच्चे तो मेरी जान लेके छोड़ेंगे। देखेंगे कैसे
Thank you.
अकेला छोड़ के, बिल्कुल अकेला। ये यादें मुझे मार डालेंगी, मुझे मार डालेंगी, मार डालेंगी। नहीं नहीं नहीं, सुलगते हुए अंगारों से भर गया है। मैं अंगारों को बुझा दूंगा, मैं अंगारों को बुझा दूंगा, इस जन्म को बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। इन यादों को अपने दिमाग से खुरच के हमेशा हमेशा के लिए फेंक दूंगा। मैं अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला, सब भूल गए, मुझे अजनबी हो गए, बहुत रातें काटी थी मैंने यहाँ, मगर आज की उठ रहा है, मुझे इतना हैरान होकर क्यों देख रहा है? एक कंगी में पाल कर क्यों उठे हुए हैं? कोई संबंध नहीं, मैं इस सपने को मिटा दूंगा, इस घर को बर्बाद कर दूंगा, इस घर में कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता, अब इस घर में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। Thank you.
ऊर्जे द्विपदी भवा। त्रायस्पोषाय त्रिपदी भवा। मायो भव्याय चतुष्पदी भवा। प्रजाभ्यः पञ्चपदी भवा। ऋतुभ्यः षट्पदी भवा। सखा सप्तपदी भवा। किया जो तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं तुम्हारा पापा बनने के लायक नहीं। प्रिया पवित्र अग्नि के सामने जो मैंने वादे किए थे पूरा नहीं कर सका। पूरा नहीं कर सका प्रिया। पूरा नहीं कर सका। मैं तुमसे झूठ बोलता था। तुम्हें धोखा देता था। मैंने इस घर की सारी खुशियां बर्बाद की है। उसकी पवित्रता का नाश किया है। जन्नत को जहन्नम में बदल दिया है। मैं पापी हूं। मैं पापी हूं। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। पापी को क्षमा कर प्रिया। एक पापी को माफ कर दे। देवी को भूल गया था। इस घर को भूल गया था। अपने बच्चों को भूल गया था। तुम आ गई। मेरी जन्नत लौट आई प्रिया। मेरी जन्नत लौट आई। गीता मेरे बच्चे कैसे तुम दोनों कैसे तुम दोनों बेटा कैसे। पापा तुम क्यों रोते हो पापा। तुम तो शेर हो ना। बेटा
बाबा शेर है, मेरे बाबा शेर है। बेटा अब तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। अच्छा पापा, मम्मी हमारे साथ आओ ना। चलो बेटा चलो। मम्मी हमारे पापा अच्छे हैं ना? हे भगवान, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। उजड़े गुलशन में फिर से बहार आ गई, वही चहल पहल, वही रौनक, वही खुशी। मियां बीवी लड़ते झगड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं, बिगड़ते हैं फिर मन जाते हैं। अनिल का घर फिर वही घर बन गया जहां खुशी थी, मोहब्बत थी, शादमानी थी।